अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फारूक खान है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हुआ, और चैप्टर नंबर 10 का ऑनलाइन लेक्चर ऑनलाइन सेशन का तीसरा लेक्चर है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। तो आज हमने पढ़ना है व्हाट इज सर्च इंजन। Search engine is the website that provide the facility to find the required website on a particular topic. बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है जी। बेसिकली इंटरनेट है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर है। आप वहां से इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट होता है, आप वहां पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं अपनी मतलब का डाटा, ठीक है। इंटरनेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि सर्च इंजन को यूज करते हुए आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अ यूजर कैन सर्च एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च इंजन। मतलब यूजर किसी भी टॉपिक पे सर्च इंजन पे के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है। इंटरनेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ मैनी वेबसाइट। जो सर्च इंजन होता है उसके पास रिकॉर्ड होता है बहुत सारी वेबसाइट का। अ लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स आर अवेलेबल। अ यूजर कैन नॉट रिमेंबर ऑल वेबसाइट। ही कैन सर्च डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन। Search engines contains the record of many websites. It searches the required website and display them to user. Search engines are very powerful tools for finding information. उसके बाद हमारे पास है नीचे कुछ important popular search engines हैं जिनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि Google है, Yahoo है, ठीक है जी, Bing है, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हाउ द यूज ऑफ इंटरनेट अफेक्टिंग सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन है लोगों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। मैंने आप लोगों की दफा क्लास में बताया था कि जो अफेक्ट वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव इफेक्ट है, दूसरी साइड पे नेगेटिव इफेक्ट है। The internet greatly affecting our society. These effects are both positive and negative. Following are some important effects on the internet on society. Positive effect. The positive effect of the internet of the society are as follows. First, हमारे पास है globalization. Internet has converted this world into global village. आप लोगों को बताया हुआ है मैंने बहुत बार कि क्यों global village में convert कर दिया गया internet को, मतलब क्यों कहा जाता है। People are connected with one another using internet and related technologies. लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए। It has provided more opportunities of attraction. It also enables people to understand the view and another. Even कि आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है flow of information. Internet contains information on all type of topics. People can search information on any topic. Search engines are used to search information on internet. Easy access information has enabled people to inform. उसके बाद हमारे पास है मतलब लातदाद आपके पास इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है। आप उसमें से जो आपको बेहतर लगती है आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेट इज एन ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल। दे कैन एक्सचेंज देयर व्यूज। इट हैज क्रिएटेड देयर अंडरस्टैंडिंग। पीपल्स कैन अंडरस्टैंड द व्यू एंड थिंकिंग ऑफ वन अनदर। इट हेल्प इन क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस इन द वर्ल्ड। उसके बाद है कम्फर्ट लाइफ। द यूज ऑफ इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड मैनी कम्फर्ट फॉर सोसाइटी। People can perform their duties easily. They can sell, buy goods online. They can run their business using internet. उसके बाद है knowledge. Internet is a source of huge information. People can get information from website. They can interact with different people, scholars, learned persons to get knowledge. उसके बाद हमारे पास साइड पे negative. Social cut off हो गए हैं लोग, ठीक है, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं लोग, एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम हो गया। Many people spend a lot of time on the internet, it affecting the social interaction with the people. उसके बाद हमारे पास immorality, मतलब लोगों में सबर वो थमूल खत्म हो गया है। Internet contains many immoral websites. The website contains such materials that is against the moral values of the society.
These websites damage the character of the young people.